नमस्कार, मैं जहांगीर आलम, आप देख रहे हैं गोल्ड फिल्म मिरर, हर पल आपके साथ। राम राज्य की कमेटी चिटाई धाम द्वारा सभी प्रेस बंधुओं को मैं हार्दिक रूप से स्वागत करता हूं और राम राज्य होने वाला है उसमें 13 फरवरी 2021 को जो जल यात्रा दामोदर ब्रिज से चलकर रामराज मंदिर चिटाई धाम तक आएंगे उसके लिए जिला प्रशासन द्वारा हम लोगों को ये निर्गत किया गया है, जो ये आदेश है, ये आदेश देख लीजिए आप लोग भी, ये आदेश है। ये अनुमंडल SDO साहब के द्वारा ये आदेश दिया गया है, जो परमिशन जल का परमिशन दिया गया है, ये इस प्रकार से है। नियमावली जिस प्रकार से मैं सभी से आग्रह करना चाहेंगे, सभी अपने जितने भी श्रद्धालु हमारे जल यात्रा में शामिल होंगे, मैं रामराज मंदिर चिटाई धाम के तत्वाधान द्वारा कमेटी द्वारा जो हमें मुख्य यजमान के रूप में हमें रखा गया, इसके लिए भी मैं अपने ओर से रामराज चिटाही धाम के सभी कमेटी के सदस्यों को मैं अपने ओर से हार्दिक रूप से मैं अपने ओर से मैं बधाई देना चाहूँगा कि प्रभु श्री राम जी का एक मुख्य यजमान के रूप में हमें रखने का कमेटी द्वारा कार्य किया है। मैं अपने आप को सौभाग्य समझता हूँ और मैं विशेष रूप से रामराज मंदिर चिटाही धाम के विष्णु महायज्ञ में जितने भी श्रद्धालु वहाँ पर उपस्थित होंगे, मैं सभी राम भक्तों से, सभी श्रद्धालुओं से मेरा आग्रह होगा कि जिला प्रशासन राज्य सरकार के गाइडलाइंस के आधार पर हम हर जो भी नियमावली है उसमें पालन करने का काम करेंगे और आग्रह भी करेंगे। मुझे पूरा विश्वास है कि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन हम लोग करेंगे। सैनिटाइजर का जो भी जगह जगह पर हम लोगों ने वो एक कैंप बनाया है, वहाँ पे सैनिटाइजर का भी हम लोगों ने इस्तेमाल करेंगे। और सभी श्रद्धालु से भी मेरा आग्रह होगा कि सभी लोग जो भी जिला प्रशासन द्वारा गाइडलाइंस दिया गया उसको पालन करते हुए सभी से मेरा आग्रह होगा। और मुझे पूरा विश्वास है कि रामराज मंदिर चिटाही धाम विशेष क्या है, विशेष कुछ नहीं, विशेष जो भी गाइडलाइंस है कि हमें कुछ तरह का कुछ ऐसे लोगों के द्वारा जो सूचना मिल रहा है कि तरह तरह का हथकंडा अपनाया जा रहा है, जो राजनीतिक से प्रेरित होकर कुछ लोगों के द्वारा इस तरह से गलत रिमर उड़ाने का प्रयास कर रहा है, उसका मैं सीधे से मैं रामराज कमेटी के संस्थान द्वारा जो भी हमें मुख्य यजमान के रूप में किया गया, मैं उसको सबसे पहले मैं उसे गलत रिमर करने वाले लोगों के प्रति मैं बात खारिज करता हूँ। और जो जिला प्रशासन द्वारा जो गाइडलाइंस दिया, गाइडलाइंस के आधार पर हम चलने का काम करेंगे। एजेंसी का जो भी इस जग के माध्यम में काम होगा, लगभग 13 फरवरी से लेकर 21 फरवरी तक, उसको हम गाइडलाइंस को पालन करेंगे, लगाएं सैनिटाइजर करें और सोशल डिस्टेंसिंग के आधार पर हम लोग वहाँ पे जल यात्रा के रूप में हम लोग दामोदर नदी से चलकर रामराज मंदिर चिटाही धाम आ जा रहे हैं। हम उस ओर न जाना चाहेंगे, बस सिर्फ हम जानना चाहेंगे कि हम जिला प्रशासन राज्य सरकार को हम सूचना दे चुके हैं, उसी के एवज में हमें ये आदेश अनुमंडल पंचायती द्वारा मिला कि हमको SDO साहब द्वारा दिया गया है और जो भी जिला प्रशासन का गाइडलाइंस हमें दिया है उस गाइडलाइंस के आधार पर हम चलने का काम करेंगे, सोशल डिस्टेंसिंग के आधार पर चलेंगे, COVID-19 का जो भी गाइडलाइंस होगा उसको हम पालन करते हुए हम चलने का प्रयास करेंगे। और सभी श्रद्धालु से भी आग्रह करेंगे कि COVID-19 का जो भी पालन हो उस पर हम लोगों को करना चाहिए। जिला प्रशासन से जो हम लोगों को गाइडलाइंस मिला है, जो हम लोगों को ऑर्डर मिला है, वो हम लोग करेंगे। विधायक जी, ये आदेश की कॉपी कब मिलेगी? ये तो आप देखिए 10 तारीख को ही मिली, 10 फरवरी को। जी 10 फरवरी को ही मिला है। आखिर ये आज जो 10 फरवरी लेटर आपको मिला है क्या आज? जी उपायुक्त की तरफ से 10-2 को मिला है, 8-2 को, 8-2 को आज उपायुक्त की तरफ से कोई नहीं, कोई आदेश नहीं मिला है हम लोग, कोई उनका नहीं मिला है। क्या लगता है इस तरह का जो किया जा रहा है, क्या लग रहा है एक दिन पहले इस तरह का रिमर? नहीं नहीं, कोई रिमर नहीं है, इस तरह का कोई बात नहीं है। धर्म के प्रति उनका भी श्रद्धा होगा, उनका भी श्रद्धा है, हमें पूरा विश्वास है कि जिला प्रशासन का भरपूर सहयोग मिल रहा है और आने वाले समय में भी मिलेगा, क्योंकि भगवान तो किसी एक का नहीं होता, सबका होता है, प्रशासन का भी होता है, आम जनता का भी होता है, नेता के भी होता है और प्रजा का भी होता है, लोग जनता का भी होता है। इसलिए हमें लगता है कि सभी लोगों का सहयोग योगदान इस महायज्ञ में सभी लोगों का मिल रहा है, मुख्य यजमान होने के नाते
रामराज मंदिर चिताही धाम के सारे कमेटी द्वारा कहा गया कि आप ही ने हम एक जनप्रतिनिधि हैं और इस महायज्ञ का हम एक मुख्य यजमान भी हैं, इसके नाते हम सभी श्रद्धालु से आग्रह करेंगे कि जो भी गाइडलाइंस दिया है उस गाइडलाइंस के आधार पर हम चलेंगे और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए कोविड-19 का पालन करते हुए हम काम करेंगे। एक चीज और है, 17-12-2020 को सरकार का एक गाइडलाइन का हवाला दिया गया है उपायुक्त की तरफ से, उसमें कहा गया कि किसी भी तरह का सार्वजनिक कार्यक्रम खास करके मेला जो बड़ा जहां पर बड़े आयोजन होते हो किसी भी बड़े समारोह का आयोजन दिया है कुर्सी उपनाम लगाएंगे नहीं काम करेंगे हम, उससे कोई बाहर नहीं जाएंगे, जो भी गाइडलाइंस हमको मिला उसके आधार पर ही हम काम करेंगे। चलिए ठीक है विधायक जी, कल की तैयारी आग्रह बस वही है कि जो भी रामराज मंदिर चिताई धाम द्वारा जो आयोजित विष्णु महायज्ञ में सभी श्रद्धालु को आग्रह करेंगे कि इसमें ज्यादा से ज्यादा संख्या में भाग लेकर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए हम जल यात्रा के रूप में दामोदर ब्रिज से चलकर रामराज मंदिर चिताई धाम प्रभु श्री राम जी के चरणों में समर्पित करेंगे। ठीक, थैंक यू।